नमस्कार, मैं हूं आपकी अपनी शैल। मेरे चैनल सैलर ब्लॉग पे आप सभी लोगों का स्वागत है। तो आज मैं फिर आप लोगों के लिए क्वेश्चंस लेके आई हूं। पहले मैंने आपको 15 क्वेश्चन बताए हुए थे, तो उसी को कंटिन्यू रखते हुए आज मैं फिर से आपको 15 क्वेश्चन बताऊंगी। और आप ये क्वेश्चन ध्यानपूर्वक से सुनिएगा और अच्छे से समझिएगा, जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। तो चलिए इसी को कंटिन्यू रखते हुए आइए क्वेश्चन समझते हैं। तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। नंबर फर्स्ट क्वेश्चन है, अ पर्सन सीइंग अ डिजाइन ऑन द फ्लोर थॉट इज वॉज अ फॉसिल, इट्स एन एग्जाम्पल ऑफ। तो एक पर्सन है, उसको एक फ्लोर पे डिजाइन दिख रही है, तो वो फॉसिल कर रहा है कि मतलब क्या हो सकता है। तो इसका एग्जाम्पल क्या है, इल्यूजन है या डिल्यूजन या हेलुसिनेशन या आइडिया ऑफ रेफरेंस। तो आप गेस करिए कि इसका कौन सा सही है। तो ये है इल्यूजन, वो वहां पे फर्श पे डिजाइन बनी है लेकिन वो उसको वो फॉसिल सोच रहा है। तो यदि वो डिजाइन होती नहीं फर्श पे और उसको डिजाइन दिखाई देती तो वो होता हेलुसिनेशन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम्स आर साइड इफेक्ट ऑफ, एक्स्ट्रा पिरामिडल का सिम्टम्स साइड इफेक्ट क्या है। तो एंटी पार्किंसंस एजेंट है या एंटी मैनिक्स है या एंटी डिप्रेशन या एंटी साइकोटिक्स। तो इसमें क्या हो सकता है, आप लोग गेस करिए। तो ये होगा एंटी साइकोटिक। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं नंबर थर्ड पे। ह्यूमन बॉडी कंटेन्स परसेंट ऑफ वाटर, मतलब कि ह्यूमन बॉडी के अंदर कितने परसेंट वाटर कंटेन रहता है। तो 40%, 50%, 60% एंड 90%। तो ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, आई थिंक सबको पता होगा 60% वाटर रहता है। और 1% यदि वाटर की कमी होती है तो प्यास लगती है, 1 से ज्यादा अगर वाटर की कमी हो जाती है तो डेथ हो जाती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, फ्लोरेंस नाइटिंगेल वॉज बॉर्न ऑन, फ्लोरेंस नाइटिंगेल का जन्म कब हुआ था। 12 मई 1820, 12 मई 1832, 12 अप्रैल 1820 एंड 7 जून 1842। तो ये तो आई थिंक जो नर्सिंग करने वाले हैं वो सबको समझ में आएगा, बट इसमें लोग कन्फ्यूजन हो सकते हैं। 12 मई तो सबको पता है लेकिन ये 1820 में है या 1832 में है, तो ये आप लोग इसको मत भूलिएगा। ये है 12 मई 1820 में फ्लोरेंस नाइटिंगेल का जन्म हुआ था। और फ्लोरेंस नाइटिंगेल के डेथ कब हुई थी मैं भी ये आपको बता दूं, 13/8/1910, 13/8/1910। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एन इंटेंशनल टचिंग ऑफ द पेशेंट बॉडी विदाउट कंसेंट इज टर्म एज, यानी कि जब हम पेशेंट को विदाउट कंसल्ट किए कि हम मतलब उसको टच करेंगे या क्या करेंगे, तो उसमें कौन सा ऑप्शन आएगा, नेग्लिजेंस, बैटरी या असकॉल्ट एंड माल प्रैक्टिस। तो इसमें क्वेश्चन को आंसर कौन सा आएगा ऑप्शन में, तो ये है बैटरी, यानी कि अचानक से वो चौक सा जाता है, मतलब कि एकदम से उसको चार्जिंग लगती है, अरे क्या हो जाए, नेगलेस तो नहीं करेगा मतलब अचानक से चौक जाएगा, इसलिए ये बैटरी ऑप्शन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर, द मोस्ट कॉमन साइट ऑफ हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन इज, मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट हॉस्पिटल का क्या है, सर्जिकल साइट, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट एंड यूरिनरी ट्रैक्ट एंड आइस। तो सबसे ज्यादा यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होता है, जैसे कि हम कैथेटर या फॉलिस बार बार डालते हैं तो सबसे ज्यादा यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होने का डर रहता है, तो ये इसका ऑप्शन है यूरिनरी ट्रैक्ट। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, 7 नंबर, मोस्ट इफेक्टिव वे टू प्रिवेंट क्रॉस इन्फेक्शन इन हॉस्पिटल सेटिंग इज,
तो मोस्ट इफेक्टिव मतलब कि प्रिवेंट क्रॉस इन्फेक्शन को हॉस्पिटल कैसे कर सकते हैं। तो नेक्स्ट है हैंड वॉशिंग, सेकेंड नंबर यूज एल्कोहल बेस्ड हैंड रब बिटवीन पेशेंट्स एंड स्क्रीन विजिटर एंड इंश्योर एडिक्वेट वेंटिलेशन। तो सबसे पहले मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रिवेंशन क्रॉस इन्फेक्शन को करता है हैंड वॉशिंग। हम पेशेंट के पास जा रहे हैं, पेशेंट को टच कर रहे हैं, पेशेंट को टच करने से पहले हमें हैंड वॉशिंग करनी चाहिए। अगर एक पेशेंट से दूसरे पेशेंट को टच कर रहे हैं तो उसमें भी हैंड वॉशिंग करनी चाहिए, ताकि उसका जो इन्फेक्शन है वो दूसरे पेशेंट को ना लग सके, या दूसरे पेशेंट का जो इन्फेक्शन है वो खुद को ना लग सके या अदर पेशेंट को ना लग सके। तो सबसे पहले इम्पॉर्टेंट उसकी सेटिंग जो होती है वो हैंड वॉशिंग। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मेथड यूज फाइल एडमिनिस्टरिंग इरिटेटिंग मेडिकेशन विया, तो डीप आईएम मेथड, सबक्यूटेनियस एंड स्टेइंग मेथड एंड जेट ट्रैक मेथड। तो मेथड एडमिनिस्ट्रेशन जो इरिटेटिंग मेथड होता है जेट ट्रैक मेथड। तो इसका आंसर है जेट ट्रैक मेथड। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन प्रेजेंस इन एक्सपायर एयर, यानी कि प्रेजेंस एक्सपायर एयर में ऑक्सीजन कितनी मात्रा में पाई जाती है, कितने परसेंट पाई जाती है। तो नंबर फर्स्ट ऑप्शन है 71.4%, 16%, 21% एंड 21% एंड 1%। तो इसमें जो एक्सपायर एयर होती है वो होती है 16%। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द नर्स एडमिनिस्टर ईयर ड्रॉप टू अ 7-year-old चाइल्ड, हाउ डोज द नर्स पुल द पेशेंट ईयर। मतलब कि एक पेशेंट है उसको आई ड्रॉप डालना है एक 7 ईयर के बच्चे के कान में, तो वो बच्चे को किस तरीके से पुल करके पेशेंट को डालेगी, आउटवर्ड या बैकवर्ड या अपवर्ड ऑन बैकवर्ड या बैकवर्ड एंड डाउनवर्ड। तो वो उसको करेगी इन चाइल्ड, यदि चाइल्ड मतलब कि छोटा है या 3 साल का है तो उसे मतलब उसके कान के पिन्ना को डाउन एंड बैकवर्ड करेगी, यानी कि डाउन और बैकवर्ड करेगी। यदि बच्चा थोड़ा सा बड़ा है तो वो उसको करेगी पुल पिन्ना अप एंड एंड बैकवर्ड, तो ये होगा अपवर्ड एंड बैकवर्ड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन आइसोटोनिक फ्लूट। तो आइसोटोनिक फ्लूट कौन सा होता है, 0.9% एंड आरएल, डेक्सट्रोज 5% इन वाटर, डेक्सट्रोज 5% इन नॉर्मल सलाइन। तो सबसे पहले मैं आपको समझा देती हूँ कि फ्लूट होता है वो 3 टाइप से होता है, आइसोटोनिक, हाइपोटोनिक एंड हाइपरटोनिक। तो जो असेंबली होती है, जो आइसोटोनिक होता है वो होता है 250 एबव से लीटर, और जो हाइपोटोनिक होता है वो 250 से ऊपर होता है, और हाइपरटोनिक जो होता है वो 375% से ऊपर होता है। तो इसमें नो शिफ्टिंग फ्लूड होता है आइसोटोनिक में, एंड शिफ्टिंग ऑफ फ्लूड फ्रॉम इंटरवेस्कुलर बोथ इंटरसेलुलर एंड इंटेस्टाइन स्पेस एंड वाटर मूव्स आउट द, ये हाइपरटोनिक होता है। तो जो आरएल होता है वो हाइपरटोनिक से ज़्यादा होता है, एंड जो आपका ये डेक्सट्रोज होता है ये होता है आइसोटोनिक। तो यहाँ पे पूछा गया आइसोटोनिक, तो आइसोटोनिक है डेक्सट्रोज 5% इन वाटर। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एंड बहुत ही ज़्यादा इजी है। जो लोग जल्दी से ध्यान नहीं देते, यदि ध्यान देते हैं तो भूल जाते हैं कि बहुत इजी है, ये तो आता ही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 12th नंबर। अ बेबी बॉर्न एट कम्युनिटी हेल्थ सेंटर फॉर हिज फर्स्ट इम्यूनाइजेशन विच कैन बी गिवन टू हिम, यानी कि एक बेबी का जन्म होता है कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में, तो उसको सबसे पहले इम्यूनाइजेशन यानी कि टीकाकरण कौन सा लगता है, DPT वैक्सीन, MMR वैक्सीन, BCG वैक्सीन एंड टाइफाइड वैक्सीन। तो उसको सबसे पहले जो लगने वाला टीका है वो है BCG, बेसिलस कॉलमेट क्यूरी। मैं आपको पहले भी इसका फुल फॉर्म बता चुकी हूँ।
तो नेक्स्ट इसका मतलब थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दे रही हूँ। जन्म के समय बच्चे को बीसीजी का इंजेक्शन लगाया जाता है। डोज बीसीजी या बर्थ जो बर्थ के समय दिया जाता है वो इसकी डोज होती है 0.05 ml, एंड डोज ऑफ बीसीजी एवर 4 वीक्स। यदि जन्म के समय किसी कारणवश नहीं लग सकता है तो उसको 4 वीक्स में लगा सकते हैं, तब इसकी डोज चेंज हो जाती है, वो होती है 0.1 ml। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 नंबर, वैक्सीन यूज फॉर प्रेग्नेंट फीमेल। प्रेग्नेंट फीमेल या प्रेग्नेंट वुमेन में जब प्रेग्नेंट होती है तो उसको कौन सा वैक्सीन यूज किया जाता है? बीसीजी, रूबेला, डीपीटी एंड टेटनेस। तो ये होता है टेटनेस, जो कि उसको 2 बार लगता है और इसकी गैपिंग में होना चाहिए 4 वीक या 1 मंथ का गैपिंग होनी चाहिए, तो उसको टेटनेस का वैक्सीन दिया जाता है प्रेग्नेंट वूमन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40 नंबर, स्पेसिफिक प्रोटेक्शन एंड हेल्थ प्रमोशन आर मेजर्ड फॉर प्राइमरी प्रिवेंशन, सेकेंडरी प्रिवेंशन, टर्सरी एंड पिरामिडियल प्रिवेंशन। तो हम सबसे पहले जो प्रोटेक्शन करेंगे हेल्थ प्रमोशन के लिए वो प्राइमरी प्रिवेंशन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, द बेस्ट टेस्ट टू डिटेक्ट आयरन डिफिशियंसी इन कम्युनिटीज, यानी कि आयरन डिफिशियंसी कम्युनिटी में सबसे बेस्ट टेस्ट का डिफेक्ट क्या है? ट्रांसफेरिन एंड सीरम फेरेटिन एंड सीरम आयरन एंड हीमोग्लोबिन। तो ये है सीरम फेरेटिन। सीरम फेरेटिन होता है वो ये बॉडी में साइज ऑफ आयरन स्टोर को रिफ्लेक्ट करता है, आयरन स्टोर का मोस्ट यूजफुल इंडिकेटर होता है। आई होप, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे, और ये बार बार नर्सिंग एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं जो कि इन्हें लोग अवॉइड कर देते हैं, ध्यान नहीं देते हैं कि ये तो बहुत ईजी है, पढ़ लेंगे पढ़ लेंगे, तो ऐसा करके इसे अवॉइड कर देते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, ये बहुत ही बार बार पूछे जाने वाले क्वेश्चन होते हैं, जैसे कि CHU एग्जाम्स होते हैं, AIIMS एग्जाम्स होते हैं, या अदर नर्सिंग जो भी एग्जाम्स होते हैं वो ये पूछे जाते हैं। तो आप लोग यदि 15-15 क्वेश्चन लेके चलेंगे तो बहुत ही ज़्यादा आपके लिए इम्पोर्टेंस होगा और आप इससे बहुत ज़्यादा हेल्प मिल सकती है। तो इसी के चलते हुए मेरे वीडियो को लाइक एंड शेयर करिएगा। तो चलिए, बाय बाय।